आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यव के वाई सेवेंटी फाइव डिवाइस के अंदर आप डायरेक्ट वीडियो कॉल शेडिंग का यूज़ कैसे कर सकते हो दैट मीन्स कि अगर आपने वीडियो कॉल करनी है तो व्हाट्सअप के बजाय आप डायरेक्टली किसी को वीडियो कॉल कर सकते हो डायरेक्ट वो कैसे करेंगे हम उस शेडिंग को इनेबल करेंगे आज और हम आपको करके दिखाएंगे देखो इसके लिए आपको फ़ोन डायलर को ओपन करना ये है गूगल का डायलर जो मैंने अभी ओपन करा हुआ है और इसी डायलर के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपको इनेबल करना है वीडियो कॉल डायरेक्ट वीडियो कॉल इसे करने के लिए देखो आपको सेटिंग्स आपको यहीं पर मिल जाती है थ्री डॉट पर क्लिक करना सेटिंग्स पर क्लिक करना है इसमें कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन है इसको हम प्रेस करेंगे अब यहाँ पर चूज़ करना है आपको सिम ओन से डायरेक्ट वीडियो कॉल करना है या फिर टू पे आपको इनेबल करना है अगर आपने सिम ऑन पर करना है तो सिम ओन को चूज़ करिए टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग का एक ऑप्शन है अगर ये ऑफ है तो आप इसको टर्न ऑन करेंगे आपके फ़ोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल ऑन हो जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करेंगे तो आप किसी को वीडियो कॉल लगाएंगे कैसे इसके लिए हमें करना क्या है यहाँ बैक आइए अभी डायलर के अंदर किसी पर्सन को अगर को कॉल करना तो कैसे करेंगे गैज़ यहाँ पर गूगल डायलर के अंदर जो होता है वो डायरेक्ट वीडियो कॉल तभी आप कर सकते हैं जब उस पर्सन का आपके फ़ोन में नंबर सेव हो दैट मीन्स कि आप उसका पहले नंबर सेव कर लीजिए जब हम उसको डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं तो अभी जो नंबर सेव नहीं है अगर मैं उस पर एक बार क्लिक करूँ यहाँ पर तो ब्लॉक नोट स्पे में हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है लेकिन गाइज वहीं पर अगर मैं जो नंबर्स हमारे पास सेव है अगर एक बार मैं उसको क्लिक करूं जैसे कि मेरे पास एक नंबर है तो एक वीडियो कॉल मैसेज हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा लेकिन, uh, है लेकिन ये अनिलिजिबल है दैट मीन्स कि ये एलिजिबल नहीं है करने के लिए इसका मोस्ट ऑफ़ रीज़न क्या है कि कुछ कंपनियाँ होती हैं जो अलाउ करती हैं कि डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हो जैसे कि जियो हो गया मे वी शायद एयरटेल में होता है बट ट्राई करना और जियो में अगर आपको करना है जियो टू जियो डायरेक्ट वीडियो कॉल आप यहाँ से कर सकते हो आसानी के साथ बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई पर्सन किसी से बात कर रहा है तो वहाँ पर डायरेक्ट वीडियो कॉल वहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर सकता है वो जियो के साथ होता है और अगर आप आपने जियो टू जियो किसी को कॉल करोगे आप खुद यूज़ करो जियो जिसको उसको कॉल करो वो भी जियो यूज़ करो तो यहाँ से डायरेक्टली उसको वीडियो कॉल ही कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आसानी से कर सकते हैं बिकॉज़ गूगल डायल के अंदर नंबर सेव करना पड़ता है तो ऐसे ही आपको यूज़ करना है डायरेक्ट वीडियो कॉल का और ऐसे ही इनेबल करना है उम्मीद करते हैं गाइज आप समझोगे इनेबल करना कैसे है फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग हो इसके रिकॉर्डिंग नीचे कॉमेंट सेक्शन है आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं